हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन विच देयर इज नॉट मच गाइडेंस अवेलेबल एंड रियली स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। फॉर मी ऑल्सो आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर आई थॉट कि यार कैसे पोस्टिंग्स अटेंड करना चाहिए। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट कि नाउ सिंस आई एम एन इंटर्न सो आई हैव एन आइडिया कि क्या गलती मैंने करी और क्या आप नहीं करना चाहिए। सो टुडे लेट्स डिस्कस दैट थिंग दैट हाउ टू अटेंड द क्लिनिकल पोस्टिंग्स, राइट। सो नाउ यू गाइज मस्ट बी गोइंग इन योर पोस्टिंग से फ्रॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, राइट। सो इन द क्लिनिकल पोस्टिंग यू नो दैट यू नो देर आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ स्टफ दैट वी कैन कैटेगराइज एज पर द MBBS लेवल। वन इज द बेसिक स्टफ। बेसिक स्टफ इज मोर और लाइक जो टेक्निकल या आपका स्किल्ड वाला वर्क होता है ना, जैसे कि आपके इंजेक्शन्स लगाना, आपको सूचरिंग करना, आपको सैंपल निकालना, ठीक है, सूचर रिमूवल करना, ड्रेसिंग करना। सो ये सब चीज़ें भी जो हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में पोस्टिंग में काउंट होती हैं। ऑल दो जब क्लास या पूरा ग्रुप जाता है तो कई बार वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती, बस आपको दिखा दी जाती कि ऐसे करते हैं और फिर वो आपके ऊपर रहता है कि आप उसको कब सीखें, या तो अलग से जाके या जब भी यूजुअली, राइट। सो नाउ दिस इज वन बेसिक स्टफ। देन सेकेंड काइंड ऑफ स्टफ इज एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एंड हिस्ट्री टेकिंग का प्रोफॉर्मा, राइट। तो एग्जामिनेशन जैसे आप अभी भी करते होंगे, आप हिस्ट्री लेते होंगे, तो हिस्ट्री अपन दो तरीके से यूजुअली लेते हैं। क्या होता है कि जब ग्रुप आता है तो लोग रैंडमली हिस्ट्री लेने लगते हैं कि बस जैसे जो बेसिक चाहे कोई भी डिजीज़ हो, बेसिक हेडिंग आपको पता है सेम रहेंगी, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, सिंपल बस वही, हाँ पेन हुआ तो यही, उसके 5 कैरेक्टर पूछ लिए, फिर जो भी कंप्लेंट है उसके 5 कैरेक्टर पूछ लिए। जबकि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि बाय द बुक, मतलब कि अगर आपको रफली पता है कि चलो एब्डोमिनल स्वेलिंग का केस है सर्जरी का, है ना, या कुछ ऐसा स्पेसिफाइड है, या तो पता है कि हर्निया का ही केस है, तो कुछ लोग क्या चाहेंगे कि भाई बुक से जाते हैं, बुक में जो प्रोफॉर्मा दिया रहता है, तो उसमें आपको क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो नेगेटिव हिस्ट्री कि ठीक है यू नो द डायग्नोसिस से हर्निया, बट हाउ यू रूल्ड आउट अदर डायग्नोसिस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोग बुक से जाना प्रेफर करते हैं, बट इनकी संख्या काफ़ी कम रहती है। एंड माई फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितनी जल्दी ये वाली मेथड अपनाओगे उतना आपके लिए बेटर है। बिकॉज रैंडम हिस्ट्री लेना तो देखो आप ले लोगे, एग्जाम में भी आप ले लोगे, आप पास भी इवेंचुअली हो जाते हो, बट दिस थिंग विल मेक यू लर्न कि जो आपने नेगेटिव रूल आउट किया है वो कैसे किया है, और इसके साथ साथ आपको डिसीज़ को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी, राइट। सो नाउ मैं इनकी टाइमलाइंस भी बताने वाला हूँ आपको कि कब कौन से ईयर में क्या स्टफ यूजुअली आ जाता है या आ जाना चाहिए, राइट। देन द थर्ड पार्ट इज क्लिनिकल पार्ट, जो कोर क्लिनिकल, बट जो मेन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये हमेशा अनटच्ड रहता है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो यूजुअली ना ज़्यादा लोग बॉदर करते हैं, मतलब चाहते सबको यही है कि क्लिनिकल हमको, जैसे हम बोलते हैं ना, तुरंत कोई डिसीज़ आए तो पता चल जाए क्या है, तुरंत उसका ट्रीटमेंट पता चल जाए क्या है, डायग्नोसिस बन पाए। तो वो जो एक क्लिनिकल वाला पार्ट है जिसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, आपका थोड़ा दिमाग एक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें यूजुअली अनटच्ड रहती है। बिकॉज वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको इसका कुछ करना है, राइट। आपसे यूजुअली एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि आपको एग्जामिनेशन आना चाहिए, आपको हिस्ट्री टेकिंग आना चाहिए और बेसिक स्टफ आना चाहिए। तो क्लिनिकल वाला पार्ट इज़ नॉट समथिंग वेरी एक्सपेक्टेड, अगर लोगों को नहीं भी आता है तो इट्स वेल एंड फाइन, ठीक है। बट ये आपके खुद के जो किक कहते हैं ना कि किक आया उस चीज़ के लिए, राइट। सो आई टेल यू दिस वन। तो नाउ टाइमलाइन की बात करते हैं। तो बेसिक स्टफ तो देखो आप कभी भी सीख लो, मतलब इंटर्न में आके आपको यही करना है, पहली चीज़ आप ये समझ लो, ठीक है। तो अगर आप सेकंड ईयर में सीख भी गए हो तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग कि आप सेकंड ईयर से तो हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप नहीं करोगे, ठीक है। तो आप सीख के रखना है, आप सीख के रख लो IM IV इंजेक्शन और ये सब, बट ये आपको इंटर्न में मोस्टली यही करना है अलॉन्ग विथ पेपर वर्क, ठीक है। तो आप इसको अगर नहीं भी सीख पाए, अगर आप फाइनल ईयर में आ गए तो इट्स वेल एंड फाइन, आप इंटर्न में सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई कि आप अपने ऊपर है। अब मेन ये जो मुद्दा है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर तक जाते हैं ट्रांजिशन में, तो जो एग्जामिनेशन वाला पार्ट है वो आप मेडिसिन का एग्जामिनेशन जैसे होता है, तो अभी आपको सेकेंड थर्ड ईयर में बहुत बेसिक लेवल का आता है, जो आपके फिजियोलॉजी में हो गए, रिफ्लेक्सेस एलिसिट करना, ये सारी चीज़ें, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब, ठीक है। आप जैसे जैसे फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तो मेडिसिन में डिटेल्ड एग्जामिनेशन आप पढ़ते हैं, मेडिसिन में बहुत लंबा एग्जामिनेशन होता है हर चीज़ का, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, क्योंकि आपको सारे सिस्टम का एग्जामिनेशन बनना चाहिए, चाहे वो छोटा शॉर्ट केस हो भी हो क्यों ना हो, ठीक है। और फिर सर्जरी में भी अपने आप में एक अलग से जो है एग्जामिनेशन रहता है, अलग अलग टेस्ट्स होती हैं हर केस की, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, ये आपको क्या होता है कि कई बार ना फोर्थ ईयर में ही आके सीखना पड़ती है, क्योंकि आपने या तो तब तक टॉपिक नहीं पढ़ा होता है या आप बुक ही नहीं पढ़ते हो। मतलब एस दास जैसे आप सर्जरी के लिए पढ़ रहे हो, है ना, मेडिसिन में आप कोई भी बलूर कर रहे हो या कोई भी बुक कर रहे हो, तो कई बार आपने वो करा ही नहीं होता है, ठीक है। तो उस कारण से क्या होता है कि आपको ये चीज़ फोर्थ ईयर में आते आते ही समझ में आती है एग्जामिनेशन। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप बस टाइम पास करते रहते हो कि जितना बनता है उतना कर दिया, कंसल्टेंट भी आपको सुना के चले जाते हैं कि आपको बनता नहीं, आप भी सुन लेते हो, ठीक है।
सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन लर्न बाय फोर्थ ईयर. बट यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि देखो दो पार्ट है ये, मैं आपको दो, मेरे को बस यही एड्रेस करना है, मेरे को इस चीज़ को एड्रेस नहीं करना है, ठीक है. ये जो दूसरा पार्ट है क्लिनिकल वाला, ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप क्या करो कि सेकेंड से फोर्थ ईयर तक आप इसको ग्रूम कर लो. मतलब फाइनल ईयर में क्या होगा कि फाइनल ईयर में आपका जो एग्जामिनेशन वाला पार्ट रहेगा ना, उससे आप इतने ऑक्यूपाइड रहोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको फाइनल ईयर की जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो आपको एक प्रेशर भी रहता है कि एक मेरे को एग्जामिनेशन बनना चाहिए हर सिस्टम का. तो आप फाइनल ईयर में यूजुअली आप एग्जामिनेशन ही करते रह जाते हो और आप हिस्ट्री लेते ही रह जाते हो, आप कभी भी इस पार्ट पे जा ही नहीं पाते, ठीक है. और सेकंड थर्ड ईयर में हम टाइम पास करते हैं, हम तब एग्जामिनेशन समझते नहीं, हमको लगता है बस थोड़ा बहुत हिस्ट्री ले लिया, कुछ चीज़ें सुन ली इधर उधर, बहुत है. बट वो चीज़ आप जब अपनी पोस्टिंग जा रहे हो, एक तो जाते भी कुछ टाइम है, एक दो महीने, उसके बाद धीरे धीरे जोश कम हो जाता है. तो अगर आप जा रहे हो तो मेक इट वाइज टू अटेंड इट नाइसली, ठीक है. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि आपने बेसिक एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग बाय द बुक आप करो, आप पहले केस से धीरे धीरे कोशिश करो, प्रोफॉर्मा देखो, आजकल इंटरनेट पे प्रोफॉर्मा मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे भी, वो प्रोफॉर्मा देखो, उसको फॉलो करो, ठीक है. और उसके बाद क्लिनिकल विनिट करो. तो एक जो क्लिनिकल वाला पार्ट है, इसके लिए मैं एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ आई गेस नेक्स्ट वीक ही, कि जिसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट का, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो बेसिक क्लिनिकल स्किल है, बेसिक क्लिनिकल केस है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और बताऊंगा भी इसी यूट्यूब चैनल पे. तो अगर आपको वो सीरीज़ चाहिए या आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में यस करिए, तो मुझे पता रहे कि कितने लोग एक्टिव हैं, ठीक है. तो जो क्लिनिकल वाला पार्ट है ये हम ग्रूम करना चाह रहे हैं सेकेंड से फोर्थ ईयर में. कैसे ग्रूम करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि सपोज़ करिए आप सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो आप कोई भी केस लेने जाते हैं वार्ड में, चाहे मेडिसिन हो चाहे सर्जरी हो, ठीक है. तो अब पेशेंट की फाइल अभी तो आपको देखने को मिल जाती है, एग्जाम में देखने को मिलती नहीं मिलती, यहाँ पे तो देखने को मिल जाती, तो उसका फ़ायदा भी उठाएं. ऐसा नहीं है कि आप सीधे फाइल से उठा के डायग्नोसिस देख लें, पहले आप हिस्ट्री लें पूरी, उसके बाद आप फाइल को देखें, ठीक है, और उसके शाम में जाके वो टॉपिक को पढ़ें और अगले दिन आके उसको अपने आप से और अच्छे से रिवाइज़ करें, मतलब पेशेंट के सामने, ठीक है. तो आप जब आपको कोई भी डिसीज़ को अप्रोच करना है तो ये सेकेंड ईयर वालों के लिए ज़्यादा है कि आपको एक तो कन्वेंशनल टेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है. कई बार आप फाइल उठाओगे, आप बोलोगे ये सब इतनी सारी चीज़ें क्या हैं, तो आपको बेसिक टेस्ट, इनका पैरामीटर्स, इनकी क्या नॉर्मल वैल्यू है, अबनॉर्मेलिटीज़ किस किस केस में लगती है, आपको बेसिक ये पता होना चाहिए. तो सारी टेस्ट हो गई आपकी CBC, LFT, RFT, ठीक है, जो भी आपका यूरिन एनालिसिस है वो सब आपको पता होना चाहिए, RBS, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो जब भी आप पहले ये चीज़ आप तय कर लो कि ये मेरे को आता है, तो आपके लिए फाइल रीडिंग ईजी हो जाएगा. और इसकी जो भी फाइंडिंग है, अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है जिसमें आप नॉर्मल जैसे इन्फेक्शन ही ले लो आप, तो उसमें आपको लग रहा है यार WBC काउंट बढ़ा हुआ है, तो ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई होती हुई चलेंगी. तो ये चीज़ तो आप पक्की कर ही लो, ठीक है. अब उसके बाद बात आती है स्पेसिफिसिटीज़ की. तो स्पेसिफिसिटीज़ में क्या है कि मैंने आपसे कह दिया कि आपको लिवर सिरोसिस का केस आपको लेने जाना है, ठीक है. तो अब आप आज गए, आपने लिवर सिरोसिस, आपको तो नहीं पता था, आपने जनरल हिस्ट्री ली, आपको लगा कि हाँ यार कंप्लेंट से लिवर सिरोसिस या ऐसा कुछ केस लग रहा है. फिर आपने सपोज़ आपके रेजिडेंट ने आके वो चीज़ पढ़ाई, तो वेल एंड फाइन. नहीं भी हुआ तो आपने फाइल उठाई, आपने टेस्ट देख, पहले तो आपने बेसिक उसकी हिस्ट्री वहाँ पे फाइल में भी देखी, आपको भी समझ में आ गया कि अच्छा सिरोसिस का केस है. आपने कन्वेंशनल टेस्ट में, इसमें स्पेसिफिकली आप किस पे ध्यान दोगे, LFT पे ध्यान दोगे, तो आप LFT को पढ़ के आओ. जैसे उस दिन फाइल देखी, अगले दिन शाम में, उसी दिन शाम में जाओ, LFT पढ़ो, ठीक है, कन्वेंशनल टेस्ट पढ़ो. और स्पेसिफिसिटी में अगर आप सेकेंड ईयर के हो या फाइनल ईयर के हो, तो आप मेडिसिन से, जैसे पैथोलॉजी से आपने सिरोसिस पढ़ा होगा, काफ़ी होता है पैथोलॉजी से सिरोसिस आपके लेवल पे, फिर उसको आप धीरे धीरे मेडिसिन से थोड़ा बहुत आप, आजकल तो आपके पास अगर कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म रहता है तो आपको सिरोसिस फाइनल ईयर का आप आज भी देख सकते हो, आधा घंटा लगेगा, तो या तो देख लो या तो कोई बुक से पढ़ लो, और उसके बाद वो सारी फाइंडिंग्स जाके उस पेशेंट में अप्रिशिएट करो. अगर उस पेशेंट में लिवर फेलियर की फाइंडिंग्स है तो उसको जाके अप्रिशिएट करो. तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका एग्जामिनेशन पॉइंट भी कवर हो गया, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर आपका लिवर सिरोसिस का है तो आपका पूरा GIT का एग्जामिनेशन आ जाएगा. तो ये चीज़ टाइम टेकिंग है ना, आप एक हफ्ता ले लो एक डिसीज़ का, बट आप उसको अच्छे से करो. आपका पेशेंट भी कहीं नहीं जा रहा होता है, आपको पता है. तो हम क्या करते हैं ना, हम बहुत ही रैंडमली करते हैं, हम दो चार दिन जाएंगे हफ्ते में, हर दिन अलग अलग केस लेंगे और कुछ भी नहीं सीख पाते हैं. इससे अच्छा आप वो तो करो, आप जो क्लास आपकी चल रही है वो चलाओ, बट उसके साथ साथ आपको एक वो चीज़ पढ़ते हुए आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, चलो सपोज़ करो ये सिरोसिस हुआ, तो सिरोसिस क्यों हुआ, मतलब क्या रीज़न था, अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है, और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं यार, ये जरूर थोड़ी सिरोसिस डायरेक्ट हो जाए, ठीक है. फिर इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, तो
यूजुअली क्या होता है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है ये वाला जो पार्ट है. मतलब कोई आपसे एग्जामिनर में वाइवा में यूजुअली पहले ये नहीं पूछेगा चलो ट्रीटमेंट बताओ या प्रोग्नोस्टिक स्कोर बताओ इंडेक्सेस बताओ. नहीं, वो आपसे एग्जामिनेशन पूछेंगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री टेकिंग में आपको घुमाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे पूछना था. तो इसलिए ये पार्ट छूट जाता है. बट ये पार्ट ऐसा है जो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिसीज़. अब इसके बाद आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है ना. आप लिवर सिरोसिस पैथो से पढ़ लो, आपको लिवर सर्जरी का पढ़ना है आप लिवर सर्जरी का पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक लगा लो. तो अभी आपके पास बहुत टाइम रहता है सेकेंड ईयर में. आप रॉबिन्स ही पढ़ लोगे ना अगर लिवर सिरोसिस, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू एट एनी लेवल. तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि जब देखो सेकेंड ईयर में आपका सबसे ज़्यादा टाइम रहता है पोस्टिंग्स का, थर्ड ईयर में आपके पास टाइम रहता है पोस्टिंग के लिए, तो आपको फोकस करना रहता है फाइनल ईयर की तरफ. तो आप एग्जामिनेशन भले फाइनल ईयर में सीख लेना बहुत अच्छे से, अभी आप इस पार्ट पे फोकस करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. और क्योंकि जैसे क्या होता है ना, कई बार वार्ड्स में आपके भी ऐसे कोई बहुत ही ना ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं या कम आते हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कोई विल्सन्स डिसीज़ का केस आया, कोई प्राडरविली सिंड्रोम का केस आया, तो आप वो वाला केस तो आप एकदम पकड़ ही लो. ठीक है, वो वाले पेशेंट को आप लो, आप उससे हिस्ट्री भी लो, आप उसके क्लिनिकल फीचर समझो, उस चीज़ को जाके पढ़ो वापस से और उसको अप्लाई करो. तो दो इसका एक टाइमलाइन दो कि यार इस डिसीज इस पेशेंट को मैं ना 4-5 दिन देके समझ लूँगा. और उसके बाद अपने सीनियर के पास जाओ, क्योंकि क्या होता है कि सेकेंड ईयर के पीजी जो रहते हैं, थर्ड ईयर पीजी जो रहते हैं, वो भी आगे अपनी डीएम की तैयारी कर रहे होते हैं. तो दे ऑलवेज वॉन्ट कि उनका भी एक थ्योरेटिकल जो आपके लेवल का है वो बहुत अलग है, क्योंकि आपको फार्मा भी डिटेल में पता है, आपको पैथो भी डिटेल में पता है, उन लोगों को सिर्फ मेडिकल पार्ट पता रहता है. तो दे विल बी वेरी यू नो विलिंग टू हेल्प यू. लाइक मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, मैं CVS का फार्मेकोलॉजी जैसे काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाया करता था, और सर जो है मुझे CVS का मेडिसिन वाला पार्ट बताते थे, एंड आई यूज टू डिस्कस विद हिम विद द फार्मेकोलॉजिकल पार्ट, बिकॉज फार्मा डिटेल में उनको उतनी याद नहीं रहेगी जितनी आपको अभी याद है इस स्टेज पे. तो ऑलवेज ट्राई टू यू नो गैदर वेज अराउंड वाया विच यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. ऑब्वियसली द सीनियर विल टीच यू, बट एक विलिंगनेस होती है और एक होता चाहिए कि उसको भी थोड़ा लगे ना कि उसका भी फायदा हो रहा है. राइट, सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर अ लॉट वाइल अगो, बिकॉज देन ओनली द क्लिनिकल वाला जो एक फील आता है वो फील गुड आता है. एंड हाँ, दिस इज वॉट आई एम सेइंग कि फोर्थ ईयर में ये चीज़ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फोर्थ ईयर में आपके ऑलरेडी क्लासेस लग रही होती हैं, आपकी बराबर से पोस्टिंग लगती है, एग्जामिनेशन सिखाते भी हैं पूछते भी हैं, तो तब आप इसी में घुस के रह जाते हो, आप ये चीज़ तो भूल ही जाते हो. तो कोशिश करो इसको थोड़ा, अगर आप थर्ड ईयर का कोई बच्चा देख रहे हैं तो वो चीज़ अप्लाई कर सके. और बेसिक स्टफ तो आप कभी भी रात में जाके भी सीख सकते हो, कैजुअलिटी में सीख सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर. सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड इफ़ यू वॉन्ट दैट सीरीज प्लीज़ कमेंट बिलो येस और समथिंग. ठीक है, एंड लेट्स मेक इट 100K. काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.